एक हम नए भारत का निर्माण करेंगे। तो बहनों भाइयों, मैं आपसे यह अपील करना चाहता हूं, नए भारत का निर्माण हम करना चाहते हैं तो दलित भाइयों को छोड़कर नए भारत का निर्माण नहीं हो सकता। नए भारत का निर्माण यदि हो सकता है तो आप सभी के सहयोग से ही, आप सभी के श्रम से हो सकता है। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का जहां तक सवाल है, बराबर कांग्रेस के लोग बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का नाम लेकर दलित समाज का वोट हासिल करने की नापाक कोशिश बराबर करते रहे, लेकिन सच्चाई है 4.5 वर्षों के अंदर हमारी केंद्र की, मोदी जी के नेतृत्व की सरकार ने यह कर दिखा दिया है कि वास्तव में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के प्रति किस राजनीतिक पार्टी की आस्था है, कौन उन्हें मानता है। अभी हमारे देवेंद्र फडणवीस जी, हमारे नितिन जी गडकरी आपको बतला रहे थे, चाहे उनकी जन्मस्थली रही हो, चाहे उनकी दीक्षा भूमि रही हो, चाहे उनकी निर्माण स्थली रही हो, उन सारी चीजों पर ध्यान यदि किसी के गया है तो बहनों भाइयों, हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी का गया है।